वैशाली जिले के लालगंज रेफलर अस्पताल में शुक्रवार की सुबह सुबह वैशाली सिविल सर्जन एवं डीपीएम निरीक्षण करने पहुंचे, जिसके बाद लालगंज नगर परिषद की तरफ से दर्जनों सफाई कर्मी लगाकर लगातार शुक्रवार के दिन भर अस्पताल परिसर का साफ सफाई करवाया गया। वहीं अस्पताल में बेड पर नए चादर तो कूड़ेदान की भी व्यवस्था की गई। निरीक्षण करने पहुंचे दोनों अधिकारी ने मरीज वाले वार्डों में जाकर मरीजों से अस्पताल में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी जानकारी ली, लेकिन बात यहीं खत्म होती नजर नहीं आ रही। प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी भी अस्पताल परिसर में हो रहे साफ सफाई का जायजा लेने पहुंच गए। उसके बाद शुक्रवार की देर शाम वैशाली डीएम यशपाल मीणा एवं वैशाली एसपी रवि रंजन अधिकारियों की फौज लेकर पहुंच गए अस्पताल परिसर। अस्पताल परिसर पहुंचते ही अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया गया तथा अस्पताल परिसर में ही बने कोविड अस्पताल एवं 30 बेड के निर्माणाधीन अस्पताल का भी निरीक्षण किया गया। हालांकि निरीक्षण के दौरान कोई भी अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते रहे। आखिर अचानक अस्पताल की इतनी साफ सफाई और जिले के बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण क्यों किया जा रहा है, यह सवाल बनकर रह गया। लेकिन जब हमने वैशाली सिविल सर्जन से इस बारे में जानकारी लेना चाहा तो उन्होंने इसे महज एक रूटीन ड्यूटी बता दिया। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि शनिवार को राज्य सरकार की कोई बड़े अधिकारी या फिर कोई बड़े मंत्री लालगंज रेफलर अस्पताल में पहुंच सकते हैं, जिसे लेकर जिले के वरीय अधिकारी सहित अस्पताल प्रशासन साफ सफाई से लेकर निर्माणाधीन अस्पताल का निरीक्षण करने में लगे हैं। सर, आज किस प्रकार के निरीक्षण करने आया गया है? रूटीन है अस्पताल का, जो रूटीन निरीक्षण होता है उसी के लिए। कुछ कमी वगैरह भी पाई गई है क्या? नहीं, कमी क्या, वही साफ सफाई, घास उसे चारों तरफ उसी को बोले सब साफ करा दी। सर, जो कोविड वाले अस्पताल बने हुए उसमें भी चर्चा हो रही थी कि मरीजों को रखा जाएगा, तो उस पर क्या हो? पेशेंट नहीं ना है उसमें, रखा रहेगा तो इसीलिए तैयारी हम लोग किए। पेशेंट आएगा तो रखेंगे, पेशेंट कोविड आ नहीं रहा है। सर, नए भवन का भी निरीक्षण किया गया है, उससे पहले क्या प्रोग्रेस क्या है इसका?